हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अचिंत हजरा और आज हम ये एक वेनिस का बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है जिसके अंदर पुराना घर है जो दरवाज़ा लॉक है। और वेनिस का जो इस सिटी है ये मैक्सिमम पानी के अंदर ही है और हर दरवाज़ा से पानी शुरू होता है। जैसे हमारा रास्ता शुरू होता है, उनका पानी से ही रास्ता है। और वहाँ का पानी में जो कलर है, टारकोइश कलर देखेंगे हम, कुछ ईंटा ईंट के अंदर शेडोज, बहुत सारे कलर देखने को मिलता है और बहुत खूबसूरत लाइट एंड शेडोज। और जैसे कि मैं स्टार्ट किया कलर ऑरेंज, ऑरेंज के साथ बंसियाना, और थोड़ा टाइम लैप्स किया गया क्योंकि बहुत लंबा वीडियो, आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है। आपको वीडियो अगर कहीं पर समझ में नहीं आता तो एक दो बार दोबारा देखे, एक दो बार चला के देखने से आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो रेफरेंस फ़ोटो के अंदर जो हाईलाइट है, वो हाईलाइट को मैं बचा के दोनों तरफ जो पिलर है उसकी जो हाईलाइट है, बहुत खूबसूरत हाईलाइट, उसी को बचाऊंगा। बचा के बाकी जो एरिया है मैं कलर कवर करूंगा। और कुछ कलर जो है मिश्रण गोल्ड का है, जैसे टारकोइस है, येलो ऑकर है, और काफ़ी बेहतरीन कलर है। और उसके साथ मेरे पास सेनेलियर का भी है बाकी कलर पूरा। और वाटर कलर मीडियम में थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा कलर अच्छा हो तो आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलता है। पहले जो आर्टिस्ट थे वो प्रिंट आउट निकालते थे अपने रेफरेंस को देख के काम करने के लिए, बट आपके हाथ में आजकल बड़ा बड़ा सेलफोन है, एंड्रॉयड है, इस तरह से टैब है जो कि आप उसमें अच्छी तरह देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्टडी कर सकते हैं रेफरेंस को लेकर के, जूम कर सकते हैं उनको। फोटोग्राफ जूम नहीं होता, जो साइज प्रिंट होता वही है, बट इसमें क्या आप जूम भी करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है जो भी आर्टिस्ट है उनके पास इस तरह से अगर टैब हो तो काफ़ी बेहतर काम होगा, क्योंकि मैंने भी रियलाइज़ किया, या अभी मैंने रिसेंट मेरे पास फ़ोन था, टैब लैपटॉप था, लैपटॉप से काम करता था, बट लैपटॉप काफ़ी दूर होता है। हाँ, कुछ दूर तो होता ही है, और जिसके कारण वो नज़र उठाना फिर नीचे आना, और इस तरह से आपके पास अगर टैब होगा बड़ा सा तो आप बढ़िया सा एकदम पास में रख के देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा विषय है कि आप अगर एफोर्ड कर सकते तो आज ज़्यादा भी महंगा नहीं आता तो आप आर्टिस्ट ज़रूर लीजिए, एक आपको मज़ा आ जाएगा काम करने में। और नीचे जो पानी है वहाँ पे मैंने सैप ग्रीन और टारकोइस ऐड करके मैंने जो हल्का सा स्प्रेड किया है, इसके बीच में थोड़ा वायलेट है, थोड़ा टारकोइस है जो ऊपर वाला पार्ट में, इस तरह से कलर सारे ऐड हुआ, कुछ हल्का रिफ्लेक्शन। हम तब तक लगे रहते हैं जब तक उस रेफरेंस की जैसे हम पहुंच ना पाए, है ना, तब तक हम कोशिश करते रेफरेंस को देखते रहते हैं। और आपको कई बार कलर लेयर देना होता है, कई बार तो
इसलिए रेफरेंस को अच्छी तरह समझना है, क्या क्या अंदर, क्या क्या उसके अंदर कलर है उसको देखना है आपने। और ये मॉप ब्रश है जो कि आर्ट एसेंशियल, मेरा पेपर है 185 GSM आर्चिस रफ ग्रेन, रफ कोल्ड प्रेस हॉट प्रेस, ये जो तीनों पेपर आता है। आप ज़्यादा, आपको कई बार मतलब समझ में नहीं आता कौन सा पेपर क्या काम आता है और आप कंफ्यूज रहते हैं कौन सा पेपर लेना है, तो अगर बिगनर्स है आप, अगर बेसिक आप इस तरह से वाटर कलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा पेपर का क्या काम है। जो हॉट प्रेस है वो थोड़ा डिटेलिंग काम करते हैं, कुछ कोल्ड प्रेस पेपर भी हम डिटेलिंग काम में कर सकते हैं। किस तरह से, जिस तरह से रियलिस्टिक काम करते हैं, हाइपर रियलिस्टिक, या तो आप पेंटिंग के अंदर कुछ डिटेल काम दिखाना है, पोर्ट्रेट वगैरह जहाँ पे बहुत सारे आँखों का लाइन है, आँखों का हेयर है, इस तरह से कामों में आप हॉट प्रेस यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड प्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड प्रेस क्या, उसका जो टेक्सचर है वो बीच में रहता है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं। और जो ये कोल्ड प्रेस हो गया और रफ हो गया, उसमें टेक्सचर ज़्यादा होता है। और रैंडम स्ट्रोक्स जो यूज़ करते हैं, जो लूज वाटर कलर यूज़ करते हैं, उनके लिए बड़ा मज़ा आता है। और ये जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये रफ है, टेक्सचर ज़्यादा है। तो आप अगर कंफ्यूज रहे या परेशान रहे तो आप कोल्ड प्रेस ले सकते हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट कवर हो जाता है, सभी काम हो जाता है तकरीबन कंफर्टेबल। कहीं हाईलाइट एरिया में मैंने मास्किंग फ्लूट भी यूज़ किया है और वो ब्रश के जरिए लगा के मैंने सुखा लिया, तो वो आखिर में जब निकाल दूंगा तब आपको दिखेगा हाईलाइट। और ये तमाम सारे प्रैक्टिस मैंने अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर सिखाते हैं, वहाँ क्लास को रिव्यू करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करें, अगर आपने मन बना लिया तो बहुत जल्द आप सीख सकते हैं। वाटर कलर काफ़ी अच्छा मीडियम है, इजी मीडियम है। हर कोई काम में एक टेक्निक्स होता है, तो जिस तरह से जिनको आता है उनको आप फॉलो कीजिए, टेक्निक्स को जानने की कोशिश कीजिए। और पेंटिंग के अंदर क्या होता है देखना सीखना चाहिए, आपको सही चीज देखना आना चाहिए। अभी वो तभी होता है जब उस तरह से किसी महल में आप हो, उसी महल में आप हो, जैसे वहाँ कुछ ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट है, अच्छे आर्टिस्ट है, और कई सारे पेंटिंग शेयर होता है। इस तरह से ग्रुप में भी होता है, बहुत सारे पेंटिंग को फॉलो करना है, देखना है। अब देखिए यहाँ पे शेडोज के लिए मैंने डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ पानी के साथ धीरे धीरे नीचे आ रहा हूँ। अभी अंधेरे के अंदर क्या होता है, जिसका रंग गाढ़ा होता है उसके ऊपर और ज़्यादा गाढ़ा होगा, और जो दरवाज़ा लाइट कलर होगा उसके अंदर ऊपर जब छाया होगा वो थोड़ा सा कम होगा। रेफरेंस आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है क्योंकि कैमरा में उतना कैच नहीं कर रहा है। छाया है, पानी है, ये सब पार्ट में आपने वेटिन वेटी काम करना है।
आपको एक बार कंप्लीट पेंटिंग मैं दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं मेरा पेंटिंग कंप्लीट पेंटिंग है, और ये आप देखते रहिए किस तरह से ये कंप्लीट होता है। पिलर का जो व्हाइटनेस है, जो दरवाजा की लाइट कलर है, पानी का सुंदर कलर, बस रेफरेंस को देखते हुए हम कलर को ऐड करते जाएंगे और आपके सामने इस तरह से एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार हो जाएगा। और आप सभी को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देखें अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं किसी भी विषय पे बात करने के लिए पेंटिंग रिलेटेड। मैं बिल्कुल आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, चाहे आप मेरे ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट हो या नहीं हो। आप मेरे यूट्यूब फॉलो करते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जानना है जो भी है, मैं आपको उसको क्लियर करूँ करने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ है, और जो लोग इंटरेस्ट है और डिटेल में सीखना है वो ज़रूर क्लास ज्वाइन करें, एक महीना करके देखे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छा मुझे उम्मीद है आपको आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और देखिए इस तरह से कुछ कलर और ऐड किया गया जहाँ पे छाया है। कब डार्क कलर यूज़ होता है, वेट ऑन नोट पे कब हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ नोट करना है आपने। बहुत मुश्किल नहीं है, वीडियो फास्ट है, आप एक दो बार चला के देख सकते हैं। और अगर किसी आर्टिस्ट को काम अगर पसंद है, आपको अगर कुछ थोड़ा सा भी उससे आप सिखलाई मिलता है, तो मैं चाहूँगा आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से एक सपोर्ट भी मिलता है, और एक अच्छा क्या होता है, आपको कुछ भी है जो मैं शेयर करता हूँ, हम यही कोशिश करते हैं आप तक पहुँचा दे, है ना, कुछ अच्छा बनाए, उसके कुछ वीडियो बनाए। यहाँ पे बड़ा सीरियस काम करना पड़ता है, यहाँ बहुत ध्यान रख के काम करना होता है, वीडियो वगैरह इतनी आसान काम नहीं है। और आप अगर देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास मिलता रहेगा नेक्स्ट वीडियो, जो भी होगा जो भी अपडेट हमें मिलेगा आपको शेयर करेंगे। और लाइक भी ज़रूर करना है, आपके लाइक एक लाइक दूसरे भाई तक पहुंचाने की मदद करता है, क्योंकि YouTube जो है बहुत बड़ा स्टेशन है। आप अगर कुछ सीखते हैं मेरे वीडियो से, आप अगर चाहेंगे दूसरे आपके जो भाई है वो भी सीखे, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए बने रहे और देखिए किस तरह से पेंटिंग को हम कंप्लीट करेंगे। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ओके।
Thank you.
Thank you.